गाजियाबाद के कविनगर पुलिस ने 23 सितंबर को थाना क्षेत्र की अवंतिका कॉलोनी में हुई डकैती का खुलासा किया है, जिसमें बांग्लादेशी लुटेरे और उसके साथी को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने लूट में इस्तेमाल तमंचा, चाकू और लूट में इस्तेमाल बाइक के अलावा ताले तोड़ने के औजार और सरिया पेचकस बरामद किए। पुलिस के मुताबिक ये गैंग रेल की पटरियों के पास बनी कॉलोनी जो सुनसान होती है उसमें चोरी डकैती किया करते हैं। ऐसी वारदात को अंजाम देने का आरोप इन लोगों पर लगा है। इनसे पुलिस ने लूटी हुई नकदी और ज्वेलरी बरामद की है, जबकि अभी इनके 3 साथी फरार बताए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने की बात पुलिस कह रही है। नवबरा समाचार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से अरुण कुमार। नगर और क्राइम ब्रांच टीम ने डकैती की जो घटना 23 तारीख को बीती हुई थी उसका खुलासा किया है। दो बदमाश भी पकड़े हैं। क्या कुछ घटनाक्रम उस समय हुआ था, क्या कुछ बरामदगी हुई है और किस तरह से ये घटना को अंजाम देते थे? गाजियाबाद जनपद के थाना कवि नगर स्थित जो अवंतिका कॉलोनी है वहाँ पे 22/23 की रात को एक घटना हुई थी, जिसमें जो कुछ अज्ञात बदमाश एक मित्तल जी का परिवार उनके घर में घुस करके लूटपाट करके वहाँ से निकल गया था। उस घटना को तुरंत संज्ञान में लेते हुए अलग अलग टीमें बनाई गई थी और साथ ही साथ विशेष रूप से ये भी बोला गया था कि जो रेलवे पटरी है उसके आसपास पेट्रोलिंग करते रहना है, क्योंकि ये कुछ ऐसे अपराधी हैं जो रेलवे पटरी के किनारे वाले घरों को निशाना अपना बना देते। उसी के क्रम में दिनांक 2/10/20 को जब ये सूचना मिली कि कुछ अज्ञात बदमाश एक रेलवे पटरी के किनारे आ सकते हैं और वहाँ पर बैठ कर वो डकैती की योजना बना रहे हैं, उसी क्रम में जो हमारी गश्त करती हुई टीम थी वहाँ से दो बदमाशों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। एक का नाम अव्वल उर्फ सुमन है और ये अपने आप को जिला बर्धमान कोलकाता का बताते हैं, जो वहाँ का पश्चिम बंगाल का है। साथ ही साथ एक इसमें खुर्शीद नाम की व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों से जब पूछताछ करी गई तो पाया गया कि ये जो घटना 22/23 की रात को अवंती के अकॉर्डिंग हुई थी वहाँ पर ये आए थे, उन्होंने घर में घुस के अंदर लूटपाट करी थी और कुछ सामान वहाँ से उठा करके ले गए थे, जिसमें जो विक्टिम है उनका आधार कार्ड है, पासबुक है, चेकबुक है। तो इसमें हमने 21,500 रुपीज़ के आसपास का कैश बरामद हुआ है। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की चेकबुक एक मित्तल जी की वो बरामद हुई है, आधार कार्ड है राशि मित्तल जी का वो भी बरामद किया गया है, और जो ये उपकरण यूज़ करके जिससे उन्होंने मित्तल जी के फैमिली को डराया धमकाया था, जिसमें एक पेचकस है और सरिया है, साथ ही साथ एक तमंचा जिसमें 2 कारतूस और एक चोरी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इन सभी ने अपनी पूछताछ में बताया कि ये पहले भी इस तरह की घटनाएं दिल्ली NCR स्थित कई जगह कर चुके हैं और इनके गैंग के 3-4 और सक्रिय मेंबर हैं जो अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया।